लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी पिछले 5 माह से बंद है। अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने इस समस्या से CHMO को अवगत कराया है, बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल पहुंच रही महिलाओं की केवल खून और यूरिन से संबंधित ही जांच की जा रही है। गर्भधारण के 3रे, 6वें और अंतिम महीने में कराई जाने वाली सोनोग्राफी करने के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल सुपेला में हर महीने 9 और 28 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविर में 150 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं रूटीन चेकअप के लिए पहुंचती हैं। सिविल अस्पताल में जांच तो सभी हो रही है, लेकिन अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सिविल अस्पताल सुपेला में पहले जिला चिकित्सालय दुर्ग से डॉक्टर गुलशन दिल्लीवार जो है सोनोग्राफी करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को एवं माह के PMSA के दिवस के दिन 9 और 24 तारीख को आते थे, लेकिन जुलाई महीने से वो नौकरी में उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारियों को चिट्ठी के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि DMF से नियुक्ति होने के बाद भी यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं है, जिला चिकित्सालय दुर्ग में भी रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, इसलिए भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। नहीं, उसका रिजल्ट आ गया है और आज मशीन का बाहर से टीम आई है, वो कैलिब्रेशन भी कर रही है ताकि अब जांच चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि सिविल अस्पताल सुपेला में सप्ताह में एक दिन गुरुवार को ही सोनोग्राफी होती थी। इस दिन के अलावा हर महीने की 9 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत होने वाले शिविर में डॉक्टर उपस्थित रहते थे। डॉक्टर नहीं होने से एक ओर जहां सोनोग्राफी बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर रिजेंट नहीं होने से ऑटोमेटिक मशीन पिछले 1 साल से बंद है। मशीन संचालित रहती तो गर्भवतियों सहित अन्य मरीजों की जांच 1 घंटे में हो जाती थी। इस मशीन के नहीं चलने से जांच सेमी ऑटोमेटिक मशीन से की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।